वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनन्या। अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब बनता है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नीचे उसको प्रेस करना है, साइड में बेल आइकन भी, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जब जब मैं नया वीडियो पब्लिश करूंगी। सो डू दैट राइट अप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस। क्योंकि आप जितना अच्छा स्टोर करोगे उतनी इसकी लाइफ बढ़ेगी, उतने ये डैमेज कम होंगे, और डैमेज कम होंगे तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा साल यूज़ कर पाओगे। ज्वेलरी एक ही जगह पर पड़ी रहेगी तो आप कॉटन में रखो चाहे प्लास्टिक कंटेनर्स में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट येस, वाइल्ड ट्रैवलिंग आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखना है। आप या तो कोई सॉफ्ट लिनन का कपड़ा लो जिसमें आप उनको रैप करके रखो, या तो आप कॉटन ले सकते हो, बट कॉटन गोज टू एन वेरी एक्सपेंसिव साइड। एक कॉटन का रोल अगर आप देखा जाए तो 200 के अबाव आता है। आई विल सजेस्ट इज जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तभी आप कॉटन का इस्तेमाल करो, अदरवाइज डेली स्टोरेज के लिए आपको कॉटन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जिस तरह से ज्वेलरी स्टोर करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपका तरीका शायद अलग होगा बट मेरा तरीका ये है। मैंने ये टाइप का स्टोरेज हाल ही में किया है। पहले मेरे पास डिफरेंट कंटेनर्स थे जिनको मैंने इकट्ठा ये कंटेनर में किया है। सो ये मेरा पूरा कंटेनर है ज्वेलरी का। इसमें नेक पीसेस के साथ साथ ईयरिंग्स भी है, कुछ कान के डिफरेंट जैसे वेल होते हैं ना महाराष्ट्रियंस में, वो वाले भी हैं, मंगलसूत्र भी हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो ये सारा सब कुछ इसमें है। तो आप अंदर देख सकते हो इसके छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिसमें अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से मैंने चीज़ें स्टोर की है। और यहाँ पर अगर आप देखो इसको, एक टाइप का ऐसा हैंडल है जिसको आप पकड़ के ऐसे उठा सकते हो, तो ये बहुत ईजी जाता है। और ट्रांसपेरेंट बॉक्स इस वजह से क्योंकि आपको चीज़ें मिलने में बहुत ईजी जाता है। सो दैट्स वाई दिस इज़ द ह्यूज बॉक्स आई हैव गॉट। ये बॉक्स आपको मार्केट में 200-300-400 तक आराम से मिल जाएगा। उसके अंदर वाले जो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। इसका ढक्कन इस तरह से खुलने वाला है, साइड में जॉइंट वाला नहीं है, वो कभी मत लेना। इसके अंदर वाले छोटे छोटे बॉक्स कुछ ऐसे हैं, साइज़ के हिसाब से मैंने इनको डिवाइड किया है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मेरे पास क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं इस वीडियो में उसको इकट्ठा शेयर नहीं कर सकती, तो आई एम गोइंग टू मेक अनदर पार्ट एज वेल। तो इसमें मैं क्या करूँगी, स्पेसिफिक इंडियन ट्रेडिशनल टाइप के नेक पीसेस ही आपके साथ शेयर करूँगी। बट या आज हम देखेंगे ओनली नेक पीसेस दैट ऑफ इंडियन स्टाइल ट्रेडिशनल ज्वेलरी पीसेस। सारी ज्वेलरी अंडर 5000 रुपीज़ है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट गेट स्टार्टेड विथ माई कलेक्शन। वीडियो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ऑक्साइड ज्वेलरी। सबसे पहले नेक पीस है ये वाला। ये वाला मेरी शादी के टाइम मैंने लिया था, मेरी सिस्टर ने मेरी शादी में ये पहना हुआ था। और इस तरह से ये फोल्ड होता है, यहाँ पे इसको लॉक्स है पीछे, इसके पीछे थ्रेड है तो आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट नेक पीस जो मैंने अपनी शादी के टाइम परचेस किया था, एंड प्रोबेबली दीज आर माई फर्स्ट परचेसेज ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। एंड देन आई शुड प्रोबेबली नॉट मिस यू शोइंग दिस। जैसा नेक पीस है उतने ही खूबसूरत ईयरिंग्स है इसके। इसमें पीछे एक चेन जाती है, मेरी सिस्टर ने इसको ऐसे ऊपर पहना था। तो दिस इज़ द वे इट लुक्स। इसके साथ ऐसे सेम पैटर्न में एक बिंदी भी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द बिंदी। सो सेम डिज़ाइन है, सब कुछ सेम है, बस बीच से चेंज आती है एंड द बिंदी विल गो लाइक दिस। द सेकेंड पीस विच आई हैव गॉट इज़ वेरी सिंपल। ये जनरली मैं नवारी पर पहनती हूँ, मैंने 2-3 बार ही नवारी पहनी है। तो मैंने ये शादी के बाद परचेस किया। इसका डिज़ाइन काफ़ी स्पेसिफिक एंड टिपिकल है। जनरली ऐसे गोल्ड में डिज़ाइन अवेलेबल होता है। ये लंबा है, इफ यू कैन सी इट्स लॉन्ग। तो आप इसको जो लॉन्ग मंगलसूत्र होता है उसके अंदर आप इसको पहन सकते हो एज अ सेकेंड नेक पीस, मतलब मंगलसूत्र के बाद ये, एंड फिर आप ऊपर बढ़ सकते हो फॉर द नेक पीस। तो उसके ऊपर ये छोटे छोटे से ईयरिंग्स हैं जो मैंने नहीं पहने हैं कभी, बट ये इनफैक्ट मैच भी नहीं करते उसको, क्योंकि वो काफ़ी ट्रेडिशनल है और ये थोड़े से अनट्रेडिशनल लगते हैं, थोड़े से यू नो इंडो वेस्टर्न टाइप्स लगते हैं। ये वाला भी मेरे शादी के टाइम में मैंने लिया था, क्योंकि शादी के बाद ऐसे टाइप की ज्वेलरी पहननी पड़ती है थोड़े दिनों तक एटलीस्ट। तो मैंने ऐसे बहुत सारे पीसेस परचेस किए थे। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ पीसेस मैंने दादर से परचेस किए हैं, एंड कुछ मैंने क्रॉफर्ड से परचेस किए हैं, एंड कुछ मैंने वाशी से परचेस किए हैं। सो एवरीथिंग इज़ मिक्सड। सो ये टाइप का नेक पीस है, एक साइड में डिफरेंट डिज़ाइन है, एक साइड में डिफरेंट डिज़ाइन है, थ्रेड है। फिर इसके ऊपर के ईयरिंग्स है ये ब्यूटीफुल से झुमके, एंड झुमके आर माई सो मच ऑफ फेवरेट। मुझे झुमके बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरे कोई भी पीसेस से बेटर मुझे ये लगते हैं अपने फेस पे। लुक्स वेरी नाइस। सो दीज आर दी मैचिंग वंस इस नेक पीस पे।
जिसके बाद है ये छोटा सा नेक पीस जिसको आप एक नॉर्मल पूजा या ऐसे कुछ होगा तो उसमें पहन सकते हो। ज़्यादा हेवी नहीं है, ऐसे चेन है एंड ऐसा पेंडेंट है एंड पेंडेंट को मैचिंग ही इसके इयर रिंग्स है। तो एज आई टोल्ड यू सेम है, बट इन्होंने यहाँ पे जो पेटल्स का डिज़ाइन दिया है ना, ये 3D टाइप्स का दिया है, तो ऐसा लगता है पेटल्स ऊपर उठे हुए हैं। सो दीज आर दी ब्यूटिफुल इयर रिंग्स ऑन दैट सेट। मेरे पास और एक ये पेंडेंट है जो मैंने आपको जो पहले चेन दिखाई है उस पर आप वियर कर सकते हो, ये वाली जो चेन है। सो बोथ आर दी ऑप्शंस, ये मैंने अलग से परचेस किए थे ये पेंडेंट एंड दीज आर दी इयर रिंग्स ऑन देम। सो दिस इज़ हाउ द सेट इज़। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला नेक पीस विच इज़ वेरी सिंपल, बट मुझे इसमें ये पसंद आया कि इसकी जो पट्टी है ना, ये इसका जो सेल्फ डिज़ाइन है बहुत अच्छा है एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई गॉट दिस। एंड इसको भी पीछे थ्रेड है तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देन इसके ऊपर के इयर रिंग्स ये बहुत ब्यूटीफुल है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिडल डिज़ाइन। सो दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट इयर रिंग्स। फिर द अनादर नेक पीस इज दिस, ये मैंने हाल ही में परचेस किया था। सिंपल है बट यू नो ट्रेडिशनल साड़ीज पे अच्छा दिखता है। इसका भी थ्रेड वर्क है तो यू कैन एडजस्ट एनी टाइम। तो इस नेकलेस के ऊपर काफ़ी छोटे से इयर रिंग्स है जो नेक पीस के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, बट मैचिंग है तो यू नो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि मैचिंग इयर रिंग्स ही पहने। सो ये हैं उसके इयर रिंग्स। उसके बाद देखते हैं अनादर वन ऑफ माई फेवरेट नेक पीस। ये वाला डिज़ाइन मुझे काफ़ी यूनिक लगा था, ये वाला मैंने देखते से ही पसंद किया था, शादी के टाइम लिया था, बहुत सुंदर है। फिर इसके ऊपर के इयर रिंग्स भी बहुत सुंदर है, लुक एट दिस। इतने एक ऐसा नेक पीस जिसके लिए मुझे कितने लोगों ने पूछा है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो दिस इज़ द नेक पीस। इसमें एक्चुअली दो साइजेस अवेलेबल थे, ये एक शॉर्ट साइज था एंड इससे भी एक लंबा था, तो बीच वाला पार्ट इसका बहुत अच्छा है। इसकी हाइट शॉर्ट है, ज़्यादा लंबी नहीं है, हेवी है थोड़े से, मतलब वेट में भी हल्के हल्के हेवी है, दिखने में भी हेवी है, बट आप अगर इनको पहन लो ना और गले में वो नेक पीस पहन लो अलॉन्ग विथ वन मंगलसूत्र, तो आपको कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद ये लंबा वाला नेक पीस, डिज़ाइन काफ़ी टिपिकल है महाराष्ट्रियंस में, ऐसे वाले जनरली सोने में बनते हैं, तो मैंने ये आर्टिफिशियल में ले लिया है। सो दिस इज़ इट्स लेंथ, लंबा है, तो ये भी मेरी शादी के टाइम का है। सो यहाँ पे ये मोती का है, तो मम्मी के हिसाब से मैंने ये परचेस की थी, मम्मी को चाहिए थी मोती की ज्वेलरी। इसके ऊपर ऐसे सेम पैटर्न में, जैसे ये पेंडेंट है ना, सेम पैटर्न में इयर रिंग्स है, थोड़ी छोटी साइज़ में, जस्ट टू टेल यू सेम डिज़ाइन है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस साइज़ छोटी है। फिर है मेरे पास एक ऐसा नेक पीस जिसको अवार्ड मिलने चाहिए, क्योंकि वो मैं आज तक नहीं पहन पाई हूँ, पता नहीं क्यों, कोई भी चीज़ इस पर मैचिंग गई नहीं मेरी, तो इसलिए इसको पहनना हुआ ही नहीं। तो दिस इज़ द वन, ये भी मोती का ही है, जब मैंने लिया था तो मुझे बहुत पसंद आया था एंड लेट मी टेल यू दिस वन इज़ फ्रॉम स्ट्रीट शॉपिंग, ये मुझे 150 या 200 में पड़ा है। दैट आपने रिसेंटली अगर मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने अपने दोस्त की शादी का ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने ये नेक पीस डाला था जो मैंने हाल ही में परचेस किया था एंड इसके लिए मुझे साड़ी नहीं मिल रही थी, बट फाइनली मुझे साड़ी मिल गई। सो दिस इज़ द नेक पीस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था अमेजोन से। ओके, सो टेम्पल ज्वेलरी का आजकल बहुत फैशन चल रहा है, तो टेम्पल ज्वेलरी का ये वाला पीस है ऑक्साइड में, ब्लैक ऑक्साइड में एंड इसकी लंबाई ऐसी है एंड थ्रेड वर्क है ताकि आप इसको एडजस्ट कर पाओ। फिर इसके साथ ही साथ मुझे इयर रिंग्स भी मिले थे एंड बिंदी भी मिली थी, ये वाली क्यूट सी टेम्पल बिंदी मुझे मिली थी इसके साथ। इसके वंस अगेन झुमका पैटर्न है, तो बहुत एलिगेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, मुझे नेक पीस से ज़्यादा ये वाले पसंद आए थे। इसके बाद मैं जो आपको अगला दिखाने वाली हूँ वो है एक नेक पीस जो मैंने रमज़ान के टाइम मोहम्मद अली रोड गई थी अखिल के साथ, जस्ट टू ट्राई ऑल द क्यूजीन,
जो ईद में वहाँ पे मिलता है। सो ये वाला नेक पीस था जो मैंने मोहम्मद अली रोड से परचेस किया था, तो ये भी मुझे बहुत सस्ता पड़ा था, आई थिंक 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ मैक्स। एंड इसके ईयरिंग्स भी इसी तरह से मैचिंग है, यहाँ पे पीछे चेन है जहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। दीज आर दी ईयरिंग्स, जैसे मैंने बताया था ना सेम टाइप है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। सो ये वाला नेक पीस था जो मैंने वहाँ से लिया था, अगेन एट द सेम प्राइस, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं और बहुत अच्छा डिज़ाइन। साइड में चेन दिया हुआ है ताकि आप एडजस्टमेंट्स कर पाओ। इसके ईयर रिंग्स काफ़ी डिफरेंट है, लुक एट दिस, सो ईयर रिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। इसके साथ ही साथ मुझे बिंदी भी आई है, ये देखो इसकी बिंदी चेन के साथ में। इसके बाद मेरे पास एक डायमंड का सेट है जो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ का बीच का डायमंड जो मिसिंग है, जो आप देख रहे हो, उसकी आपको चीज़ें बताती हूँ। इसके साथ मुझे ऐसे डायमंड्स मिले जो आप चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट लगा सकते हो। नेक पीस का डायमंड एंड टोटल तीन डायमंड्स है, एक नेक पीस का एंड दो ईयरिंग्स के। ईयरिंग्स भी आपको दिखा देती हूँ, ईयरिंग्स इस तरह से इसकी, तो यहाँ पे ब्लू वाला डायमंड लगा हुआ है, तो ऐसे आप डायमंड चेंज करके ये पहन सकते हो। एंड इसके बाद और एक नेक पीस है जो अभी मुझे इतना पसंद नहीं क्योंकि उसका कलर पूरा फेड हो चुका है, बट स्टिल आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये मैंने शादी के पहले परचेस किया था और इसको मैंने अब तक संभाल के रखा है। हालांकि मैं इसको वियर नहीं करती हूँ बिकॉज इसका कलर मतलब इतना खास रहा नहीं है जितना जब मैंने लिया था तब था, बट फिर भी एक यादें हैं तो मैंने इसको संभाल के रखा है। इसके साथ ही साथ मेरे पास दो ईयरिंग्स भी है इस पर, ये ऐसा सेट था पूरा मोती का। स्पेसिफिक ये सारी कोल्हापुर की ज्वेलरी है जो मैंने कोल्हापुर से परचेस की। सो ये वाला जो नेक पीस है ये टिपिकल कोल्हापुरी साज है, मराठी में इसको कोल्हापुरी साज बोलते हैं। ऐसा जो पीस है आपको सिर्फ कोल्हापुर में मिलेगा, यहाँ वहाँ बाहर आपको मिल सकता है बट टिपिकल वाला एकदम अच्छी क्वालिटी का आपको वहीं पे मिलेगा। ये मैंने शादी से पहले लिया था, कैन यू इमेजिन, और ये मैंने आज तक कम से कम बताती हूँ आपको 20 बार तो पहना है। वन ऑफ माय फेवरेट पीस, मतलब ये इतना ज़्यादा ऑथेंटिक एंड इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल है ना कि मैं इसको कभी भी पहनना पसंद करती हूँ, और मैं इसी में अब एक बड़ा वाला लेने वाली हूँ मेरी नेक्स्ट विजिट में। श्योरली आई एम गोइंग टू कीप 5000 एंड मोर, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा जाएगा बड़ा वाला लूँगी तो मैं बड़ा वाला परचेस करने वाली हूँ जो एकदम लंबा वाला होता है जो नवारी पे जाता है। ये वाला छोटा है, इफ़ यू कैन सी ऐसा जाता है ये। तो ब्लॉग्स मेरे देखते रहना, अगर आप नहीं देखते हो तो मेरे चैनल पे ब्लॉग्स भी मेरे लिस्टेड है, यू कैन गो बैक आफ्टर दिस वीडियो एंड वॉच देम एज वेल। इसके बाद मेरी सेकेंड परचेज, सेकेंड ट्रिप कोल्हापुर में थी ये वाली। ये वाला भी एक टिपिकल ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन नेक पीस है, और इसको आप पीछे से देखोगे तो ये थ्रेडवर्क पे बना हुआ है, पूरा रेड कलर का थ्रेड है। ये शॉर्ट ही होता है ऐसे, बट ये टिपिकल है, एकदम टिपिकल। इसके बाद उसी टाइप का एक पीस है, थोड़ा डिफरेंट है, बट एक सीरियल आई थी मराठी चैनल पे खंडोबा की, तो उसमें इस ज्वेलरी को फेमस कर दिया था। उनकी जो वाइफ है पार्वती, उन्होंने लाइक उस कैरेक्टर में उन्होंने ये पहना था, तो उस वजह से ये बहुत फेमस हो गई थी। एंड ये मुझे कहीं पे भी मुंबई में मिली नहीं, मैंने बहुत बार ढूंढने की कोशिश की, बट ये मुझे अल्टीमेटली मिली वहीं पे कोल्हापुर में, क्योंकि ये आई थिंक वहीं की स्पेशलिटी है। मैं श्योर नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ कि ये वहाँ की ऑथेंटिक ज्वेलरी है या नहीं, बट ये वहीं पे मिली है तो 99% वहीं की ऑथेंटिक ज्वेलरी होगी। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फिर इसके पीछे भी थ्रेड वर्क है बट उससे पतला है। इसके ऊपर ईयरिंग्स भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एंड इसको भी थ्रेड वर्क है तो आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। एंड आई एम सर्चिंग फॉर दी ईयर रिंग, सो दीज आर द ईयर रिंग्स, एंड यू कैन सी एकदम मैचिंग है,
छोटे से हैं बट बहुत सुंदर है। फिर और एक देखते हैं कोल्हापुर का पीस, वो है ये ठुशी। ये कोल्हापुर का नहीं बोल सकते आप, एक्चुअली ये यहाँ पे भी मिल जाता है बट ऐसा वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये जो बना है ये बहुत टिपिकल बना है। ये जो होती है ना, ये चोकर नेक पीस होता है महाराष्ट्र ज्वेलरी में, मतलब जैसे ये वाला चोकर है वैसे ये वाला चोकर है गोल्डन में, बट दिस वन इज़ ऑथेंटिक, दिस वन इज़ वेरी इंडियन एंड ऐसे बैठता है ये। इसको ऐसे ऊपर ही पहनना होता है थोड़ा, फिर इसके नीचे छोटी बड़ी 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 ऐसे ज्वेलरी होती है। इसके ऊपर आई थिंक ईयरिंग्स नहीं है मेरे पास क्योंकि इसमें थे ही नहीं सेट पे। आई थिंक दिस इज़ डन फॉर दी कोल्हापुर थिंग। अब इसके बाद देखते हैं थोड़े से बड़े नेक पीस, ज़्यादा नहीं है दो ही है बट बट उसके पहले एक नेकलेस मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। सो ये है वो नेकलेस। ये एक्चुअली पता है मुझे भी नहीं पता था जब मैंने ख़रीदा था, इसको बकुली हार बोलते हैं और ये महाराष्ट्र का टिपिकल है, मतलब जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है ना उसमें ही आता है बकुली हार। मतलब इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये बकुली के फ्लावर्स जैसे होते हैं। महाराष्ट्र में एक टाइप के फ्लावर्स को बकुली बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं उसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, बट जो फ्लावर्स होते हैं उनको बकुली बोलते हैं और वो सेम टू सेम इसकी तरह दिखते हैं, तो इसलिए इस नेक पीस को बोलते हैं बकुली हार। इसमें लॉन्ग भी आता है, ये शॉर्ट वाला है मेरे पास। इसके मैचिंग सेम टू सेम ईयरिंग्स हैं, कुछ डिफरेंस है नहीं बट अभी मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ, बट सेम फ्लावर्स के पैटर्न के टॉप्स आते हैं इसके। फिर मुड़ते हैं हमारे बड़े नेक पीस पे जो मैंने हाल ही में परचेस किया था, वो है ये। ये बहुत बड़ा नहीं है बट है यार बड़ा है थोड़ा। ये भी मैंने दादर से परचेस किया है, बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, बहुत ब्यूटीफुल पेंडेंट है। जब ये परचेस किया था तब मैं नहीं गई थी, मेरी सिस्टर की चॉइस है ये, उसने मुझे फ़ोन पे से दिखा दिया था पिक्चर। वो टाइम पे ऋत्विज जस्ट आया हुआ था एंड दैट्स व्हाई मैं जा नहीं पाई इसकी शॉपिंग के लिए, तो मेरी सिस्टर चली गई थी। तो ऋत्विज का नेमिंग सेरेमनी था, तो नेमिंग सेरेमनी को मुझे ये पहनना था, दैट्स व्हाई मैंने उसको बोला था एक ही कोई लाना, बट जब उसने फोटो दिखाया तो मुझे दोनों ही पसंद आए, दैट्स व्हाई मैंने दोनों भी मंगाए थे। मैं अभी दिखा रही हूँ, ये कुछ 2.5-3 हज़ार के रेंज में। इसका भी थ्रेड लंबा है, इसकी लेंथ थोड़ी लंबी है, तो ये मंगलसूत्र के ऊपर प्रॉपर बैठ पाता है, ये तभी आया था। फिर इसके ऊपर की ईयरिंग्स आपको दिखा देती हूँ, ये है इसके ऊपर की ईयरिंग्स एंड अगेन झुमका पैटर्न। और जनरली मैंने ये देखा है कि ऐसे टाइप की गोल्डन ऑक्साइड ज्वेलरी में झुमका पैटर्न ज़्यादा चलते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा वाला उसने उसी दिन लिया था मेरे लिए, वो दिखाती हूँ। वो आई थिंक सबसे बड़ा पीस है मैंने आज तक जो परचेस किया है, क्योंकि मैंने इतने बड़े पीस यूज़ भी नहीं किए ना ही कभी परचेस किए। एंड ये थोड़ा सा महंगा है, ये कुछ 4-4.5 हज़ार का है। एंड ये टेम्पल ज्वेलरी ही है क्योंकि जैसे मैंने बताया टेम्पल ज्वेलरी काफ़ी फेमस हो गई है, तो इसलिए टेम्पल ज्वेलरी का एक पीस मुझे लेना था। दिस इज़ द वन। पहले आप इसका पेंडेंट देख लो, मोती है नीचे एंड सन का शेप है नीचे से एंड बीच में देवी है। फिर इसका जो ऊपर का पार्ट है ये भी काफ़ी हेवी है, तो ये बहुत हेवी है, मतलब अगर आपको मंगलसूत्र इसके नीचे पहनना है तो फिर ये बहुत बड़ा हो जाता है, सिर्फ आप इसको पहन सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसकी लंबाई भी आपको दिखा देती हूँ, ये इतना लंबा है लेंथ में एंड फिर इसके आगे थ्रेड वर्क है, तो काफ़ी लंबा है और मुझे बहुत पसंद है। इसकी ईयरिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, थोड़े से बड़े हैं, वंस अगेन झुमका पैटर्न। सो दिस इज़ हाउ द ईयरिंग्स आर। बट अगर आप नेक पीस से कंपेयर करो तो ईयरिंग्स काफ़ी छोटे हैं, मुझे लगा था शायद ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा बड़े होंगे बट वैसा है नहीं, ईयरिंग्स छोटे हैं बट अच्छे हैं। दिस वॉज द बिग वन। के बाद एक लास्ट ज्वेलरी है जो मैंने एकदम रिसेंटली परचेस की है, मतलब आप समझ लो एक आध महीने पहले परचेस की है। ये मैंने मॉल से परचेस किया था, ये अनाया ब्रांड का है एंड अनाया ब्रांड काफ़ी फेमस है। मैंने इसकी ज्वेलरी काफ़ी बार देखी है, हालांकि मैंने परचेस नहीं की थी
बट इस बार मैंने परचेज़ की है और जैसे बता रही थी ये मेरी सबसे फेवरेट ज्वेलरी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसमें मोती है, मेरी मम्मी की भी फेवरेट है। एंड इसका जो फील है ना, आपने जो कोल्हापुरी सास देखा ना, कितना ऐसे नाजुक वर्क है उस पर, वैसे टाइप का वर्क है इस पर। तो दिखा दूँ आपको, रेडी है आप देखने को? ओके, सो दिस इज द वन। ये इसका पेंडेंट है एंड ये इसका ऊपर का चेन का पार्ट है एंड सब में मोती लगे हुए हैं, सब में ए टू जेड। इसका जो शाइनिंग है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब इसकी वारंटी है, एक्चुअली गारंटी है, वारंटी जो भी बोल रहा हूँ, एक साल की, एक या तो दो साल की गारंटी है या शायद तीन साल की, पता नहीं, बट ऐसा कुछ है इसका। इसने बोला इसका कलर कभी भी फेड होता है, इसके डायमंड्स कभी भी गिरते हैं, तो यू कैन कम एनी टाइम आउट ऑफ अ काउंटर, हम आपको कलर पॉलिश करके देंगे, आपको डायमंड्स वापस लगा के देंगे, मोती वापस लगा के देंगे। सो सारी इसकी मेंटेनेंस की चीज़ें वो करके देंगे, और अगर वो चार्ज लेते भी हैं मेंटेनेंस का, डायमंड्स आई थिंक फ्री में लगा के देते हैं, बट अगर मेंटेनेंस का चार्ज लेते हैं तो कुछ 200 रुपीज़ मेंटेनेंस का चार्ज है, विच इज़ लाइक नथिंग अगर आपको ऐसी ज्वेलरी मेंटेन करनी है तो। दिस इज़ द वन आई हैव गॉट, जो मेरी फेवरेट है। कैमरा यार यहाँ पे फोकस करो, और वेटिंग कि मैं इसको कब पहनूंगी, क्योंकि मैंने अब तक इसको पहना नहीं है, बट बस मुझे पसंद आई तो मैंने फटाक से ले ली। तो इसके ईयरिंग्स ये हैं, मैंने ईयरिंग्स अभी तक निकाले नहीं है, तो ईयरिंग्स इसी में लगे हुए हैं, बट पेंडेंट की तरह ही है इसके ईयरिंग्स भी। अब ये भी एक ऐसी ज्वेलरी है ना जो सेल्फ है, मतलब इसके साथ आपको कुछ ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं, अगर आप ये पहन लो तो आपका लुक ही खिल जाएगा, आपकी जो साड़ी है या जो भी अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है वो ऐसी उठ जाएगा। एंड दिस वाज द एंटायर ज्वेलरी कलेक्शन, ट्रेडिशनल ज्वेलरी कलेक्शन विच आई हैव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। अब ये सारा जो मेस यहाँ पे, ये मुझे साफ करना है। It was very tough. If you have liked this video, don't forget to hit a bada sa like and share this video with your friends and family so that they can enjoy that. So yeah, jaane se pehle subscribe kariye mera channel, subscribe nahi kiya hai to aise acche acche videos dekhne hai to zarur subscribe kariye, red color ka subscribe button niche hai, bla 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 aage kuch bolna nahi hai, aap to samajhte ho. So, in my next part of this jewelry collection, till then take care, bye.